Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अद्भुत दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा है। आओ माधव, आओ, आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन है जो मुझे पुकार भी रहा है? मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। कहो सखा, आओगे ना मेरे पास? ये कौन है? कितना मनोहर रूप है इनका। स्वप्न आया। मुझे भी विचित्र भी था मेरा स्वप्न और सुंदर भी। बाहर सब कुछ इतना भयावना है। लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। माधव, मैंने तुम्हें समझाया था ऐसे मौसम में बचकर रहना चाहिए। पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पुत्र रामदास, अपने भाई के लिए कंबल लेके आओ, लगता है इसका स्वास्थ्य और बिगड़ गया है। क्षमा बिला। अल्प आयु में किसी संदेश को समझना सरल नहीं होता। जो उन्होंने देखा उसे समझने में वे भी समर्थ नहीं थे। दूसरी ओर उनकी माँ अपने पति के अचानक स्वर्गवास से सहम गई थी और उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सावधान हो गई, विशेष रूप से दोनों में छोटे माधव दास के प्रति। माँ, मैं एक कम्बल में ही तपा जा रहा हूँ और आपने दूसरा भी उड़ा दिया। हाँ माँ, ये तो ठीक ही है, एक दो छींके ही तो आई है इसे, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तुम दोनों को बहुत पता है ना, ये रोग थोड़े से आरंभ होकर धीरे धीरे विकराल रूप ले लेते। रामू, तुम इसके साथ बैठो, मैं काढ़ा लेकर आती। ये लो, और बचा हुआ तुम भी पी लेना। मैं क्यों माँ, मुझे क्या हुआ है? चिकित्सा से ही उत्तम सुरक्षा होती है, कहीं तुम्हें रोग लग गया तो। अब तुम क्या देख रहे हो? पानी ठंडा हो जाए उसके पहले भाप ले लो। इसी बात की तो चिंता थी मुझे, ये छींके आ ही जा रही है। रामो, तुम उसके साथ यहाँ बैठना, मैं औषधि लेप लेके आती। विद्युत तरंग है पुत्र, ये तो कड़कती ही रहेगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, मैं दिया जला लेता हूँ। अच्छा, तुम मेरा हाथ थाम लेना, तुम्हारा डर चला जाएगा, मैं हूं ना। और जब मैं रहूंगी तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और भला मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे वचन दो माँ। मैं वचन देती हूँ,
मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रभु, आपको ही देखा था ना मैंने स्वप्न में। ये मेरे पिताजी की पुस्तकें हैं, इनमें भी तो आपका ही नाम है, इन्हें पढ़ता हूँ। रामदास अपने स्वप्न का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा था और अपने मन में उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर वो धार्मिक ग्रंथों में ढूंढने लगा। वहीं दूसरी ओर माँ के लाड़ दुलार और अधिक ध्यान देने के कारण माधव दास में एक भीरुता का भाव जग गया। वो अपनी माँ पर अत्यधिक निर्भर भी हो गया। तो जहाँ एक ओर रामदास आध्यात्म और पूजा पाठ में लीन रहता, वहीं दूसरी ओर माधव दास सदा अपनी माँ का हाथ थामे उन्हीं के साथ घूमता रहता। अति सर्वत्र वर्ज्यते, जीवन में किसी भी अति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अति किसी की भी हो उसके परिणाम सदा बुरे ही होते हैं। फिर वो संतान के प्रति माँ के स्नेह की ही अति क्यों ना हो। माधव दास अपनी माँ पर इतना निर्भर हो गया कि भविष्य में जो होने वाला था उसके लिए वो तैयार ही ना था। आप ठीक हो जाओगे माँ? भैया रामदास वैद्य जी को बुला लाए हैं, वो आपको औषधि दे देंगे। सत्य बताकर इन्हें दुखी नहीं कर सकता। क्या हुआ पुत्र, वैद्य जी ने क्या कहा? यही कहा माँ कि उनकी औषधि से आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सत्य को मत छुपाओ पुत्र, कुछ दिनों से तुम यही तो कहते आ रहे। मुझे पता है मेरे पास अब समय नहीं है, कभी भी मुझे जाना पड़ेगा। नहीं 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 माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझे वचन दिया था आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। वो कौन माँ होगी पुत्र जो अपने पुत्र से दूर रहना चाहेगी, लेकिन नियति के आगे सब विवश। तुम्हारी माँ भी पुत्र, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकती। नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। मेरा ध्यान कौन रखेगा, और जब मुझे डर लगेगा तो मेरा हाथ कौन थामेगा? रामदास, मेरे रामू, तुम मेरे बड़े पुत्र, अपने छोटे भाई का तुम ध्यान रखना, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, इसे सदा थामे रहना। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं माधव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ को खोने का दुख सहना सरल नहीं, दोनों भाई जैसे टूट गए थे, किंतु भाग्य जब ऐसी कठिनाइयों का सामना कराता है तो उसका कारण होता है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, उसे सहन शक्ति प्रदान करना। किंतु माधव दास के साथ इसके विपरीत हुआ, अब वो पूर्ण रूप से अपने भाई पर निर्भर हो गया। लो अपना हाथ मुंह धो लो। भैया
भैया भैया। चलो माधवदास, जल लेकर चलते हैं हम। ऐसा लगने लगा जैसे माधवदास सदा इस भय से ही ग्रसित रहता था कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। अपनी माता के समान अपने भाई पर निर्भर हो गया वो, और ऐसा उनकी युवावस्था तक रहा। ध्यान में जाने पर भय लगता है मुझे। भैया का ध्यान कब समाप्त होगा? भैया भैया भूख लगी है। क्षमा करना अनुज, ध्यान में समय का अनुमान ही नहीं लगा। मैं अभी भोजन परोस देता हूं। भैया को लगता है मुझ में बहुत बचपन है, किंतु अभी उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया तो वो यही सोचेंगे मैं कुछ मनगढ़ंत बात कह रहा हूं। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? पोखल भात तैयार है, अचार भी लोगे? हाँ भैया, आनंद आ जाएगा। मुझे पूजा में देर हो जाती है, तो स्वयं अपना भोजन ले लिया करो। अब तुम बड़े हो गए हो, आत्मनिर्भर बनो, अपने कार्य स्वयं करना सीखो। जब मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो, मुझे किस बात की चिंता? किंतु मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती रहती है, क्योंकि तुम कैसे इस तरह मेरा हाथ पकड़ कर चलते रहोगे? कभी ना कभी तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भैया मैं जानता हूँ, आप ये बातें मुझे पहले भी समझा चुके, परंतु अभी भूख लग रही, पहले भोजन कर लो फिर कुछ और समझो। भोजन करते हैं। कितना निर्दोष निष्कपट है इसका मन, किंतु कभी तो अपने दायित्व इसे संभालने ही होंगे, कभी तो बड़ा होना होगा। अब भैया इन्हें धो कौन से जल से, ये बड़े वाले जल पात्र से या छोटे वाले जल पात्र से? भैया 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 अनुज, बचपन से मेरी रुचि पूजा पाठ, ध्यान और सत्संग की रही। हो सकता है तो यही मेरे अंतर की इच्छा रही हो, सन्यासी बनने की, प्रभु भक्ति की, उनकी सेवा की, उनके नाम में रमकर अपना जीवन बिताने की। प्रयास कर रहे ना आप मेरे साथ भैया? मुझे डराने के लिए बोल रहे ना, जिससे मैं अपने कार्य स्वयं करने लगूं? किंतु ऐसा सोचना भी आपके लिए उचित नहीं है भैया। आपको स्मरण है ना, आपने माँ को वचन दिया था। मैं वचन देता हूँ, मैं माधव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूं। हाँ अनुज, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भैया अर्थात माधव दास ने अपने भाई को रोक के रखा था, सन्यासी बनने की उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दे रहा था। हाँ, किंतु उन दोनों भाइयों का साथ रहना नियति को स्वीकार नहीं था। क्यों प्रभु,
अन्याद विधाते पुरुष करोति विधि कथा। मनुष्य इच्छा करता है किंतु वो पूर्ण होगी या नहीं इसका निर्णय भगवान करते हैं। रामदास अपनी नियति को पहचान चुका था, उसे स्वीकार करना चाहता था, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। धन्यवाद प्रभु, इतना सरल और प्रेम करने वाला भाई मुझे दिया। बस मेरा भाई सदा मेरे साथ रहे यही कामना करता हूं। प्रभु ये इतना निर्भर है मुझ पर, इसे छोड़कर अपनी नियति पर कैसे चलूं, सन्यास कैसे लूं मैं? आप ही कोई संकेत दीजिए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए जिससे माँ को दिया वचन भी भंग ना हो और मैं अपनी नियति द्वारा निर्धारित पथ पर भी चल सकूं। हे प्रभु सहायता कीजिए मेरी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु ये क्या हुआ? मैं सन्यासी की वेशभूषा में कैसे? नियति को कोई टाल नहीं सकता वत्स। तुमने जो समझा वो सत्य है, यही तुम्हारा पथ है, जिसे लेने में तुम्हें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु शीघ्र वो भी अपनी नियति को पहचान लेगा, किंतु उसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ थामना होगा जो उसे उसके पथ तक ले जा सके। जीवन साथी ही एक दूसरे का उचित मार्गदर्शन करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। क्या हुआ प्रिया? अब जा क्यों है? जीवन साथी ही एक दूसरे का उचित मार्गदर्शन करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? तुम्हारा विवाह, इसका विचार कर प्रसन्न हो रहा हूँ। मेरा विवाह? हाँ, आयु जो हो गई है तुम्हारी। आयु हो गई है और आपकी आयु नहीं हुई? अग्रज से पहले अनुज का विवाह कैसे, ये कैसे संभव है? संभव है माधव, मैं माँ के दिए वचन से बंधा हूँ। तुम्हारा उत्तरदायित्व तो स्वीकार किया है मैंने, अब जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं भैया, ये परंतु उचित नहीं। मेरा ध्यान रखने में आपके प्रसन्नता के अधिकार से वंचित होने की बात कहा थी। तुम्हें मेरी प्रसन्नता कितनी चिंता है तो तुम अपने विवाह के लिए ना नहीं कहोगे? भाई के कहने पर माधवदास विवाह के लिए मान गया? सरलता से तो वो नहीं माना, किंतु फिर रामदास के आगे उसे झुकना ही पड़ा और रामदास अपने छोटे भाई माधवदास के लिए योग्य कन्या ढूंढने में जुट गया। किंतु वो एक सौम्य सहनशील समझदार कन्या ही चुनना चाहता था और कन्या को ढूंढने की यात्रा दोनों भाइयों को जगन्नाथपुरी क्षेत्र ले आई, जहाँ माधवदास अपनी नियति के और निकट जाने वाला था। यह
क्या इस क्षेत्र में मुझे इतना विचित्र आभास क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई ध्वजा फड़फड़ाई हो? क्या हुआ अनुज माधव? नहीं कुछ नहीं भैया। अब तो वो ध्वनि और भी तीव्र हो गई है। कैसी ध्वजा है ये? भव्य मंदिर, क्या हुआ है? आज प्रथम बार माधव मेरा हाथ छोड़कर खड़ा क्यों हो गया? मैं तो अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुमने वचन दिया था तुम आओगे। यहां तो कोई नहीं। क्या हुआ अनुज, तुम रुक क्यों गए? एक और भैया मेरे विवाह की तैयारी में, वही दूसरी और मैं इन्हें ये कहूंगा कि यहां प्रभु के स्वर का भव्य मंदिर का आभास हो रहा है, तो वो मुझे फिर बालक समान ही न मान ले। अनुज, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम मुझे बता सकते हो। वो भैया कुछ विचित्र सा आभास हुआ यार, जैसे ये क्षेत्र इस भूमि से मेरा कोई विशेष संबंध हो, जैसे मुझे यहाँ कोई बुला रहा हो, जैसे ये मेरा अपना जाना पहचाना स्थान है, जैसे मुझे यहाँ कोई दायित्व निभाना हो। शीघ्र वो भी अपनी नियति को पहचान लेगा, किंतु उसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ थामना होगा जो उसे उसके पद तक ले जा सके। प्रभु लीला को कौन समझ पाया है? संभव है तुम्हारे इस आभास का तुम्हारी नियति से कोई संबंध है? तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी नियति का ज्ञान अवश्य होगा। आओ अनुज, शीघ्रता करते हैं, कन्या पक्ष वाले हमारी राह देख रहे होंगे। पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री सुशीला के लिए योग्य वर ही चाहता हूं। जल चाहिए मुझे, तो इस दरिद्र को जल पिला दो यहां। अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, किंतु जब कोई दरिद्र द्वार पर आ जाए तो उसे दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। क्षमा कीजिए, मैं इन दरिद्र नारायण को जल पिलाकर ही आपको जल प्रस्तुत करूंगी। धर्म कर्म निपुण है, अत्यंत सुशील है सुशील, माधव को इसके साथ मिलना चाहिए।
मेरे अनुज के लिए आपकी पुत्री से योग्य कन्या ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यदि आपको और आपकी पुत्री को ये संबंध स्वीकार हो तो मैं शीघ्र ही अपना दायित्व निभाना चाहूंगा। क्या हुआ, आपको कोई संशय है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। संदेह केवल इतना है कि आप बड़े हैं, फिर भी आप अपने अनुज का विवाह पहले करना चाहते हैं। मेरे मन का भाव मैं अपने अनुज पर उजागर नहीं कर सकता, बताता हूं। मेरा रुझान सन्यास की ओर है, और एक सन्यासी के जीवन में विवाह का स्थान कहाँ। माधव का विवाह हो जाए, उसके बाद मैं अपनी धन संपत्ति इन दोनों को सौंपकर सदा के लिए प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। किंतु मैं माधव को अभी ये बता नहीं सकता, नहीं तो वो विवाह के लिए ना कर दे। ओह माधव, तुम आ गए, दरिद्र नारायण की सेवा हो गई। हाँ भैया, किंतु अभी आप क्या कह रहे थे, क्या बताना है मुझे? अर्थात इसे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। बताइए ना भैया, क्या बात है? यही कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह हो जाए। उचित है भैया, अभी आपको मुझे और मनाने की आवश्यकता नहीं। यदि देवी सुशीला और उनके पिता को ये विवाह स्वीकार है तो मुझे भी ये संबंध स्वीकार है। प्रभु जगन्नाथ की यही इच्छा है। रामदास ही नहीं, माधवदास की नियति भी उसे दिशा दे रही थी। सब विधि के विधान के अनुसार घटित हो रहा था। कुछ ही दिनों में माधवदास और देवी सुशीला का विवाह हो गया, किंतु देवी सुशीला के गृह प्रवेश के साथ माधवदास को एक ऐसी सूचना मिलने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी ना की थी। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? मौसी यहाँ क्यों है? हमारा स्वागत करने के लिए भैया क्यों नहीं है? भैया को यहाँ होना चाहिए था, वो कहाँ गए? आओ बहुरानी, अपने शुभ चरण से प्रवेश करो, अब ये घर तुम्हारा ही है, आजा। मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ बहुरानी, किंतु रामदास माधवदास मुझे मौसी पुकारते हैं, तो तुम भी मुझे मासी माँ समझो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे नेत्र तो भैया को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? मौसी भैया कहाँ है? हमारा स्वागत तो उन्हें करना चाहिए था ना। अभी तो यही था। चिंता मत करो मेरे भाई, मैं यही हूँ। ये कैसा भेज धर लिया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं वो कार्य करूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे इसी में आनंद मिलता है।
संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। पिताजी के बाद भैया भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। नियति व्यक्ति को हर एक समस्या और परिस्थिति से निकलने का विकल्प देती है, आवश्यकता है उसे समझने की।